ये ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है जिसमें सी ए बी एक ट्रायंगल है और एल एम पैरेलल टू ए बी। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, एल एम पैरेलल ए बी, और यहाँ पर ए एल की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ए एल दिया है एक्स माइनस थ्री, और ए सी की वैल्यू 2x दिया है, बी एम इजकल टू एक्स माइनस टू, और बी सी इजकल टू 2x+3, इतना वैल्यू दे दिया है। यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए बाई थेल्स थ्योरम ए एल अपॉन एल सी इजकल टू बी एम अपॉन एम सी। तो ए एल अपॉन एल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल सी जो होगा वो हमारा होगा ए सी माइनस ए एल। तो यहाँ हमने लिख दिया उसी तरीके से बी एम अपॉन एम सी की जगह हमने लिख दिया है बी सी माइनस बी एम। तो देखिए ए एल की वैल्यू तो यहाँ दिया ही हुआ है, यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट कर दिया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर हमें गौर करना है कि यहाँ पर साइन माइनस का दिया हुआ है, तो यहाँ अगर एक भी साइन गड़बड़ हुआ तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर बिल्कुल गलत निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक्स माइनस थ्री अपॉन 2x- जब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स, और ये साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसकल टू एक्स माइनस टू 2x+3 माइनस एक्स, और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस टू हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स माइनस थ्री अपॉन ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x में से x गया तो x बचा, प्लस 3 इसकल टू एक्स माइनस टू अपॉन, यहाँ पर भी देखिए ये 2x है और ये माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से x गया तो x बचा, प्लस प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमने प्लस 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स माइनस थ्री और ब्रैकेट में एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स माइनस टू और फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया है यहाँ पर x से, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट लिखेंगे, फिर माइनस थ्री, फिर ये x प्लस फाइव इसकल टू, इसी तरह से इसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये आ जाएगा और इसको खोलने पर ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो दोनों साइन पॉजिटिव अगर है, साइन सेम है और इसकल टू है, तब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बचा, 2x-15 इसकल टू एक्स माइनस सिक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाला पोर्शन एक तरफ कर देंगे और नंबर वाला एक तरफ कर देंगे, तो 2x यहीं पर रहेगा, इस x को हम इस जगह लेकर आएंगे, इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे, तो इसका साइन प्लस है, जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स यहीं पर रहेगा। अब माइनस 15 को इधर लेकर आना है, तो ये माइनस है, जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से x गया x, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 15 में से 6 गया बचा 9। तो ये वैल्यू निकली है x की।